चलो देखते हैं क्या है भाई। अभी हमने नाभी लिया है और इधर अपन सेब खा रहे हैं। इससे पहले हम दोस्तों राम राम, कैसे हैं आप लोग? आशा करेंगे बढ़िया हों। तो स्वागत है आप सभी एक नई ब्लॉग वीडियो में। तो अभी मैं हूँ घर पर और मानवी और मम्मी ने सोचा नहा लिया है क्योंकि आज नवरात्रि, तो मानवी अब जाएगी पूजा करने के लिए और मैं अभी मैंने यहाँ तक मुँह भी नहीं धुला है और मम्मी ने भी नहा लिया। मम्मी अंदर पूजा मतलब कोई थाई लगा रही हैं, पूजा की थाई लगा रही हैं। देखो मम्मी अंदर बैठी हुई हैं, वहीं बैठी हैं। और अभी मैंने कुछ नहीं किया भाई, अभी मैं पहले अपना घर का जो कार्य है उसे समाप्त करूँगा, उसके बाद मैं भी रहूँगा और उसके बाद फिर मैं भी आऊँगा पूजा करने के लिए। तो अभी बज रहे हैं 7 और मुझे घास लेके आना, उसके बाद नहाना धोना है, उसके बाद अपन पूजा करने के लिए निकलेगा। तो मानवी अभी और मम्मी लगी पड़ी हैं, तो फिर और बाकी लोग जाने लगे पूजा करने के लिए और आज कलश भरने भी जाएंगे। और भैंस आराम चारा खा रही हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। हम घर से बाहर निकल रहे हैं, घास लेने जा रहे हैं, बच्चे यहाँ पर पटाखे चला रहे हैं भाई। हमारा भैया, हमारा भैया आप यारी क्या हाल चाल है यारी? भाई सोए गोटे बंदा वहाँ धुलाओ का। अच्छा चलें घास लेके आए। तो भाई लोग आज नवरात्रि, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये हमके आज गली साफ कैसी है और मैं अभी जा रहा हूँ दराज रखी कंधे पर, तो घास लेने जा रहा हूँ और माताएं बहनें पूजा करने जा रही हैं। अब सभी कन्या कलश भरने जाने वाली हैं थोड़ी बहुत देर में, इसलिए तैयारियाँ हो रही हैं। आ चुके हैं घेर में और अभी टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं। तो बकरी निकाल दें, बकरियाँ जाने वाली हैं चरने के लिए। जाएंगे ऑल इन बकरियों बाहर निकाल लें, ये टॉयलेट कर लें, उसके बाद ये जाएंगे चलने के लिए। ठीक है चल चलना चल। तो भाई लोग देखो चलो चल 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 चल, अभी ढिलने वाली है बकरियां जाएंगी चरने के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने छोटे से नगर में, तो इस नहर के माध्यम से सारे क्लस भरे जाएंगे। सभी कन्याएं पहुंच चुकी हैं, तो कन्याएं ट्रॉली से उतरकर आ रही हैं और क्लस भरने के लिए, और अभी कन्या सारी एकत्रित हो रही हैं। तो अब हम चलते हैं नीचे नहर में, देखते हैं कैसा क्या सिस्टम है भाई। और मैं इस नहर के पानी में पहली बार पैर रखूंगा क्योंकि इस नहर में पानी अभी मात्रा में कम है। तो यहाँ कितना अच्छा दृश्य है, सभी अपनी कन्याएं क्लस भर रही हैं और सभी कन्याएं अपने पीले वस्त्र को धारण किए हुए हैं। नहर का पानी कम मात्रा में इसलिए सब मस्ती काट रहे हैं नहर में, इसलिए मैं भी नहर में आके मस्ती काट पा रहा हूँ। सभी कन्याओं ने अपने क्लस में जल को प्रवेश करा लिया है और अब सब चल देते हैं घर के लिए। तो यहाँ पर सभी एक लाइन में एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ पर जो भैया व्हाइट कपड़े पहने खड़े हुए हैं ये सबके मालिक हैं, तो सभी कन्याओं की इन्हीं पर जिम्मेदारी है। तो भैया इसी को अपना रुद रूप दिखाने लगा है। चलो फिर सारी कन्या निकल चुकी है, आज हम पीछे रह गए, हम चलते हैं आगे के लिए। अब हम पहुंच जाते हैं अपनी माताओं के पास, जहाँ पर सभी कन्याओं को एक जगह बिठा दिया गया है, जिससे कि आप लोग भैया जानते हैं कि लड़कियां ज्यादा हड़कम मचाती हैं और पंडित जी अपना क्रियाकलाप स्टार्ट कर देते हैं पंडिताई का, जहाँ पर माता दुर्गा की इच्छा के अनुसार हवन की प्रस्तुति हो गई है। तो अब टाइम हो गया, 5 बज चुके हैं और माता से आए गए हैं, सभी पूजा खत्म कर दी है बाकी बात। और माता जी का ही मतलब क्या बोलते हैं उसे, प्रस्थान, हाँ प्रस्थान बोलते हैं, क्या पता नहीं भैया देना कमेंट करिए, जो मैंने मतलब हाँ वहाँ रख देंगे माता जी। और फिर अब हम जा रहे हैं धान काटे का, क्योंकि धान खेत कटने हैं, वहाँ लगो कतरा कीड़ा लग गया धान में, इसलिए भाई बाल कटे गिर रही है और चल रहे धान काटे। हाँ क्या कह रही है फटाफट, ये प्यारी बैठा वहीं बैठी है। तो ठीक है फटाफट जानवर को चार डाले, जानवर खड़े हुए हैं, मम्मी चार रखो तैयार थोड़ा। तो दोस्तों हम निकल आए हैं इधर खेतों की तरफ, दराते थे उतराती हाथ में और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिए, अब घुसते हैं धानों के बीच में। और ये देखो भाई क्या ही रास्ता, खतरनाक रास्ता है, कीचड़ी कीचड़ा भाई, ये देखो तो यार इसमें तो भयंकर ये काला काला धान हो गया भाई। तो देखो शाम हो रही है, पीछे देखो सूर्य देख रहे हो आप बैकग्राउंड देखो। तो अब देखो घंटे एक या दो घंटा धान काटेंगे, उसके बाद फिर घर आ जाएंगे। मेरे पिताजी ने कहा था धान जरूर काटना, इसलिए यार उसमें कतरा लग गया वालों में, कीड़ा लग गया, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही, सब इन्वेस्ट हो जाएगा फालतू में, इसलिए मैंने सोचा तो जाना चाहिए यार स्टार्टिंग करें। लड़के एक आदमी मिले नहीं, लड़के मिल जाते तो हम मतलब जल्दी कट जाता धान। और ये देखो भाई बैकग्राउंड देखो आप, सबसे पहले पका है मेरा इस बार धान, और ये अपना खेत है ये आगे वाला। तो देखो भाई ये वाला, ये भी अपना ही है। चलते हैं खेत पर, ये भी पक चुका है और इसमें भी वही मतलब जो मेरे में लगी है बीमारी वही इसमें लग चुकी है, तो ये भी जल्दी कटेगा।
और ये अभी हरा खड़ा हुआ है, सूरज ही बिल्कुल सूर्यास्त होने वाला है। तो हम भी अपने खेत से पहुंच चुके हैं। तो ये अपना धान, ये मेरे को लग रहा पिताजी आगे जो खेत काट गए हैं। चलो देखते हैं क्या है भाई, देखते हैं भाई। ओह नो, पिताजी काट गए बहुत भाई, सिस्टम बना दिया कदी करके, बहुत काट गए। चलो फिर काटते हैं खेत, मिलेंगे खेत काटने के बाद। तो आज के लोग इतना ही, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस। तो मिलेंगे फिर आगे व्लॉग में, एंड सभी को राम राम।